अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कबलाना स्थित जोय गांव में आज फिर झज्जर के सवेरा स्कूल के बच्चों ने एंजॉय किया और खूब मस्ती की। आपको बता दें कि जोय गांव की ओर से एक बार फिर से सवेरा स्कूल के बच्चों को निमंत्रण आया था कि वह जोय गांव में आए और आकर आनंद उठाएं। आपको बता दें कि कबलाना के जोय गांव में दूर दूर से स्कूली बच्चे व पारिवारिक लोग पिकनिक के तौर पर आते हैं और यहाँ दी गई सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। जोय गांव के ओनर विजय गुप्ता ने बताया कि यहाँ पर हर वह सुविधा दी जाती है जो एक पिकनिक स्थल पर मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने उन चीजों का भी ध्यान रखा है जो मनोरंजन के लिए उपयुक्त होती हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जोय गांव में मस्ती के साथ साथ एडवेंचर की भी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, जिससे कि स्कूली बच्चे खेल खेल में हर वह चीज सीख सके जो मुश्किल भी हो। एडवेंचर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ एडवेंचर के सभी साधन मुहैया करवाए गए हैं। वहीं जोय गांव के मैनेजर राकेश गर्ग ने बताया कि हमने दोबारा से सवेरा स्कूल के उन स्पेशल बच्चों को निमंत्रण भेजा ताकि वह स्पेशल बच्चे समाज की उच्च विचारधारा से जुड़ सके जिसके वे हकदार हैं। वहीं आने वाले विद्यार्थियों व टूरिस्टों ने भी वहां आकर खूब इंजॉय किया और स्कूली बच्चों ने हर न्यूज से बात की कि उन्होंने किस तरह से इंजॉय किया है। क्या नाम आपका? विधि। कहां से आया? सेंट जेवियर्स स्कूल। बताइए कैसा लगा वहां? बहुत अच्छा, अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा। और राइड्स वहां पे घूमने में घूमने में कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा, गिरने में तो बहुत ही मजा आया। क्या नाम आपका? हर्षिता। बताइए इसमें गोले में घूमने में कैसा लगा आपको? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। बेसिकली दोनों कंट्रोल परमिशन चाहिए था। अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं गिरी भी दो बार। अच्छा वहाँ पे काफी मैंने एक्सपेक्ट किया और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा जा रहा है। अब मैं और आगे एक्सपेक्ट करूंगी, काफी कुछ डिस्कवर करने को मिलेगा। आल्सो अमेजिंग। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? अभी तो मैं गई हूँ और स्कूल पे गई हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर के डरों को मैं कंट्रोल कर पाई हूँ, सबसे बड़ा यही मेरा। और इट्स हैपनिंग। तो गोले में घूम कर कैसा लगा आपको? जस्ट लाइक उसने बोला वैसे कंट्रोल करने में बड़ा मज़ा आ रहा था और कर भी पा रही थी। तो बाहर निकल के चक्कर आए? बिल्कुल नहीं आया, हमने कोऑर्डिनेट किया वो सबसे। क्या नाम आपको? अर्चना। बताएं बेटा यहाँ जोय गांव में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मुझे जैसे उम्मीद नहीं थी बट बहुत अच्छा, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप यहाँ पे इस पे झूले में कैसा लगा? पहले पकड़ा करो फिर पैर रखे। जान खत्म हो गई थी बस, वैसे अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इंजॉय किया? क्या क्या देखा आपने? डांस हो रहा है वहाँ पे, जैसे एंट्री करते तो लोग टीका लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से वेलकम हो रहा है। तो दिल्ली से आप आए हैं हरियाणा में आके, हरियाणा का कल्चर कैसा लगा? बेसिकली मैं भी हरियाणा से ही हूँ, मुझे अच्छा लगा बहुत। तो आपका? जानवी। कहाँ से आया? दिल्ली से। बेटा कैसा लगा जो गांव में? बहुत बढ़िया, बहुत एडवेंचरस है, बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूमे आप यहाँ पे? अभी तक तो 3 राइड्स ही लिए हैं, देखिए और एक तार वाला और एक वो स्टेयर्स वाला। अभी आपके साथ चल रहे कैसा लगा? क्योंकि अभी राइड किया था ना तो राइड लेते समय कैसा लगा? डर लगा था। अभी तो ठीक है। बताएंगे बेटा आपने क्या बनाया था अभी? जो है गाँव में आके कैसा लगा आपको? क्या क्या राइड किया आपने? बहुत सारा। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बताएं बेटा आपने क्या बनाया था? मैंने एक मग सा बनाया जिसको आई थिंक मैं स्टैंड किया है। कहाँ से आया? मैं तो कैसे एंजॉय किया आपने जो है गांव में आके, कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अलग तरह से बना हुआ है एंड अलग अलग टाइप की बाइक्स है, बहुत अच्छा फील हो रहा है थोड़ी। तो क्या क्या राइड किया? ऑलमोस्ट सारी करी है मैंने और आगे और करने वाली हूँ। हाँ थोड़ी बहुत की जिप लाइन नहीं की, ऑलरेडी मैं पहले बहुत बार कर चुकी हूँ, बाकी सारी मैंने करी। तो अच्छे एंजॉय करें। एलिशा बराशे। कहाँ से आया? सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी। बेटा बताइए कैसा लगा आपको यहाँ? हमें बहुत मज़ा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। तो अभी आपने डांस किया, हरियाणवी कल्चर को देखा, कैसा लगा? मैं मेनली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ सो मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मुझे इस कल्चर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, सो आई एम वेरी फीलिंग वेरी गुड। फियोना है, सेंट जेवियर स्कूल से, और पहली बार ये सब देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लगा।
अच्छा है। तो हरियाणा में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, पहली बार आई हूँ तो बहुत ज़्यादा। तो जोई गांव में आए, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या? बहुत सारे राइड्स में और अपना डर सारा हटाया और ये डांस देखो बहुत अच्छा लगा। तो एडवेंचर भी किया आपने? हाँ, वो उसके ऊपर ब्रिज के ऊपर वगैरह चले तो बहुत अच्छा था। डर भी लगा आपको? हाँ, थोड़ा बहुत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनीषा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली संत कबीर स्कूल से। तो कैसा लगा यहाँ जोएगा? बहुत अच्छा लगा, हरियाणा कल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना हमने, डांस बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे राइड्स एंजॉय करी। जोएगा इज अ वेरी नाइस प्लेस। खास क्या देखा आपने यहाँ? खास यहाँ पे डांस है, फिर हमने ट्रेन राइड करी, अभी हम हॉरर हाउस में जाने वाले हैं। तो डर नहीं लगेगा? डर लगा लेकिन डर को हमने ओवरकम किया तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हरियाणा में आके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक सबको यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहिए। वही टूरिस्ट भी आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ आकर हरियाणवी संस्कृति को जाना और हरियाणवी भोजन का भी लुफ्त उठाया। उन्होंने बताया कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और खासकर कि यहाँ आकर जो खान पान देखा वह उसके तो वे कायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को यहाँ आकर एक बार देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनु तनेजा। बताइए कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हैं। तो कैसा लगा जोएगांव में आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मक्की की रोटी, पकौड़े, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो एंजॉय कैसे किया आपने यहाँ पे? बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, ट्रेन पे चढ़े, पुरानी यादें ताजा, बचपन। हरियाणा में आके कैसा लगा? हरियाणा में आके बहुत अच्छा लगा, हरियाली सब कुछ बहुत अच्छा। तो दिल्ली में खासकर ये देखने को नहीं मिलता, तो ताजी हवा मिले विदाउट पोल्यूशन, विटामिन डी फुल ले रहे हैं, बचपन याद आ गया। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ के हलवा चोली पहन के खूब एंजॉय किया। पॉटरी भी विदाउट पोल्यूशन, पॉटरी भी की हमने और छोटे छोटे हमने फ्लावर्स बनाए, बहुत अच्छा लगा। विदाउट पॉल्यूशन था। अभी आप ये लस्सी पी रहे हैं, छाछ छाछ पी रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको छाछ पीने? तो जैसे दिल्ली से हैं, दिल्ली में ओरिजिनल नहीं मिलता, पैकेट टाइप मिलते हैं। प्योरिटी है, फ्रेश वाइट बटर का जो टेस्ट है यहाँ पे बहुत बढ़िया है, वाइट बटर का जो टेस्ट है बहुत बढ़िया है, मीठा एकदम बहुत अच्छा है। बास्केटबॉल खेली, बैडमिंटन खेला, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बचपन याद आ गया। नाइस, पॉल्यूशन फ्री। इससे पहले भी आप हरियाणा में? हाँ जी, पहले प्रतापगढ़ गए। क्या कहना चाहिए इस बारे में? सबको आना चाहिए, एक बार चांस तो देना चाहिए यहाँ सबको। एक हम जाएंगे तो 10 को बताएंगे। थैंक यू। आप कहाँ गए? बहुत अच्छा लगा आकर, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी आपने बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी खाई, बहुत ये छाछ भी, सब कुछ बहुत अच्छा, फ्रेश बना हुआ, बहुत अच्छा लगा। शरद बताइए सर, यहाँ जोएगांव में आपको कैसा लगा? जोएगांव बहुत ही बढ़िया लगा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है यहाँ पे लोगों ने। झूले भी है, गांव का कल्चर भी है, हल्का हल्का शहर का भी है, उन्होंने रूम्स भी बनाए हुए हैं स्टे करने के लिए, बहुत अच्छा। तो कहाँ कहाँ राइड किया आपने? अभी हमने वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करी हैं, उधर पीछे ड्रैगन पे भी घूमे थे, फिर वहाँ पे वो हॉरर हाउस है वो वाला भी देखा था। अभी यहाँ पे ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ बैठने आई हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बना रही हैं कुम्हार के साथ। वहाँ पे हम मेहंदी लगवाएंगे, फिर मक्के की रोटी खाएंगे, फिर हम एंजॉय करेंगे। मेरा नाम चारू है। कहाँ से आए हैं? सेंट जेवियर स्कूल से आए हैं। तो कैसा लगा, कैसे एंजॉय किया आपने? बहुत अच्छा लगा, पहले तो बहुत सारा डांस किया, पॉटरी करी है, झूला झूला है और खाना बहुत अच्छा है, खाना वाना खाया है। देखते आगे और क्या क्या है। अभी आप मिट्टी की कलाकृति देख रहे थे, तो कैसा लगा आपको मिट्टी की कलाकृति? एडवेंचर भी राइड किया आपने? एडवेंचर अभी जाना है, देखते हैं एडवेंचर की तरफ जाते हैं। पहले कभी किया है? तो अभी डर भी लगेगा आपको? नहीं, डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, एंजॉय करेंगे। वही सवेरा स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि आज उन्हें दोबारा से यहाँ आने का आमंत्रण मिला था और वे सवेरा स्कूल से बच्चों के साथ मस्ती करने आए हैं। उन्होंने कहा कि वे जोए गांव का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दोबारा से बच्चों को यहाँ आने का मौका प्रदान किया है। दोबारा से बच्चों को इनवाइट किया है, इसके लिए हम सबसे पहले विजय गुप्ता जी जो अपने यहाँ के एमडी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बच्चों को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम, और उन्होंने हमें अब दोबारा बुलाने के बाद भी आज सुबह उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, बच्चों का स्वागत किया, बच्चों के साथ खुद भी राइड्स एंजॉय किया।
और उनके कुछ गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे स्पेशल बच्चों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उनके साथ जो कि बच्चों को भी और हमारे पूरे स्टाफ को भी बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर जोय गांव के ओनर विजय गुप्ता ने बताया कि हमने उन स्पेशल बच्चों को समाज की विचारधारा से जोड़ने के लिए एक बार फिर से निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा ताकि यह बच्चे अपने आप को अलग महसूस न कर सकें। इनिशिएटिव है इनका, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो है बच्चों को पबजी तो पता है लेकिन तीरंदाजी क्या होती है या डार्ट गेम क्या होती हैं या जो आउटडोर एक्टिविटीज से लोग बच्चे दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है और सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ विजय जी और उनकी टीम को ये सब करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब हर तबके का जो बच्चा है यहाँ पे, जैसे स्पेशल गॉड स्पेशल चिल्ड्रन जिसको कहते हैं वो भी आए हुए हैं और उनको खुश देख के, उनके चेहरे पे स्माइल देख के जो है बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसे स्पेशल बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मतलब समाज के हर आदमी को इनको सपोर्ट करना चाहिए और अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इनके पास पूरी सुविधाएं नहीं हैं जो हम लोगों के पास हैं, तो ये सब भी आके हम लोगों के साथ खाना खाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रेन राइड ले रहे हैं जैसे आप देखेंगे, तो अच्छा लगता है ये सब। तो आपने जोय गांव बनाया, जोय गांव में एक हरियाणवी कल्चर को डाला है, तो उसके बारे में कहते हैं, तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं? ये जोय गांव को बनाने वाले तो ये हैं, हम तो यहाँ पे आके कभी कभी एंजॉय कर लेते हैं। क्या कहना चाहिए सर? बहुत बहुत अच्छा बनाया है और मतलब पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो मेरे ख्याल से सिर्फ शुरुआत है, अभी तकरीबन एक साल हुआ है इनको काम शुरू किए हुए, तो आई थिंक अभी दिल्ली बहुत दूर है। स्पेशल बच्चे इनको दोबारा से मिलते हैं? देखिए सर, क्या होता है ना कि जिस टाइप से बच्चे यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक अंदर से इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। हमारे पास जैसे बहुत सारे गेस्ट ऐसे भी आते हैं जो खुद इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई बच्चे को दोबारा बुलाना चाहिए, जैसे लास्ट ईयर भी हमें खुद इनिशिएटिव लिया था, आज जैसे आशीष जी का कल हमारे पास फोन आया, उन्होंने बोला था कि बच्चों को स्पॉन्सर करना है, बच्चे आके इन्जॉय करें, उनके साथ वो बैठेंगे खेलेंगे, तो आज उसी सीरीज़ में ये बच्चे दोबारा आए हैं और मैं चाहता हूँ कि मतलब इस टाइप से बच्चे हर रोज आएँ और हर रोज खेलें, जिस हिसाब से और बच्चे खेलते हैं और बच्चे कूदते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसे ये बच्चे भी यहाँ पे आके खेलें कूदें एंजॉय करें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हम इन बच्चों को देखते हैं। तो और नया बनाने की क्या है? आगे बहुत सारे प्लान हैं, अभी जैसे जैसे समय गुजरेगा वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने का प्लान है और वही जोय गांव के मैनेजर ने बताया कि हमने यहां पर हर सुविधा देने की कोशिश की है जिससे कि हरियाणवी कल्चर को लोग जान सके और बाहर से आने जाने वाले उस हर शख्स के लिए हमने मनोरंजन के साधन मुहैया करवाए हैं ताकि यहां आकर उन्हें महसूस ना हो कि जोय गांव में मस्ती के साधन नहीं है। जी सर बताएंगे जोय गांव में आपने जो स्पेशल रखे हैं उनको दोबारा से इनवाइट किया, क्या क्या बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमें दोबारा इन बच्चों के साथ रहने के लिए, इन बच्चों को खुश करने का मौका मिल गया एक बार, हम तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे जो हमारे विशेष अतिथि जो आए हुए हैं आशीष जी, उन्होंने इसको आके अपना टाइम दिया और उसके लिए उन्होंने तरीके से हमें आगाह किया और बताया कि भाई एक बार बुलाया जाए, तो बड़ी खुशी की बात है। हमें दोबारा एक बार इन बच्चों के साथ रहने का, बात करने का मौका मिला, अच्छे खुश हो, हम बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस तरीके के मौके अगर हमें मिलते रहेंगे तो भगवान देता रहेगा, तो हम आगे आगे भी इस मौके को चलाते रहेंगे। बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो हरियाणवी कल्चर की तारीफ करेंगे, उसके बारे में क्या? अच्छा अच्छा जी, अच्छा कि आप देखें अभी हरियाणा से हैं और ये हमारा जो पिकनिक पार्क है ये भी हरियाणा में है, अच्छी बात। आप हरियाणा की बात करें, हम भले इसमें डेवलप करें, दिल से हमारी जो संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, उसको बढ़ाना, उसको बढ़ाना भी अच्छी बात है। और बात ये कहूँगा बल्कि कमी मिल हम लोग भारतीय संस्कृति ग्रामीण को और लेके आएँ और सिफारिश आगे इस काम में ताकि फिर इस मैटर पर कर सकें। जिस तरह से आप जोय गांव में मस्ती के साथ साथ एडवेंचर का भी स्कूली बच्चों ने एंजॉय किया, उसे देखकर यह लग रहा है कि जोय गांव में हर वह साधन मुहैया है जिसके लोग बात करते हैं। जज्जर से विजेंद्र के साथ संजथरान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।